हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तब मैं और जैसे अजय सर बहुत कम बोलते हैं, आप तो इतने सालों से जानते हैं, ये शुरू से कम बोलते थे कि शादी के बाद ऐसे हुए? नहीं नहीं, शुरू से कम बोलते थे, तो शादी भी उन्होंने ऐसे देख समझ के की कि जहां उन्हें बोलना बिल्कुल ना पड़े। अच्छा। तो क्योंकि अजय सर बहुत कम बोलते हैं इसलिए अपने बारे में ज्यादा कुछ बताते भी नहीं है, तो तब्बू जो है इनकी पुरानी दोस्त है, तो इसलिए आज हम इनसे इनके बारे में कुछ सवाल करेंगे। मैम कुछ सवाल है जो जनता ने रखे, मेरे नहीं है ये। तो अजय सर पढ़ाई में कैसे थे, कितने नंबर लाते थे, एनी आइडिया? पढ़ाई करते थे यार, मैं पास हो जाता था। ये काउंटर क्वेश्चन है या आंसर है आपका? तो कैसे पास करवाते थे अपने आप को, वो अलग कहानी। अच्छा। हाँ। कॉलेज में ये लड़कियों के पीछे होते थे, लड़कियां इनके पीछे? लड़कियां इनके पीछे। कॉलेज में, उसके बाद भी इंडस्ट्री में भी। अच्छा। ऐसा मतलब यू नो इनको जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंदर से तो सोच के मजा आ ही गया होगा आपको। नहीं, ठीक बात है, भी अच्छी बात है। तरकुल, अपने किरदार के बारे में बताइए, हमने तो ट्रेलर में देखा, मजा आ रहा है देख के, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और बताइए आप। सो आयशा एक फ्री स्पिरिटेड गर्ल है, लंदन में काम करती है, शी इज इंडिपेंडेंट, और वो उनको अपनी अल्कोहल बहुत पसंद है। अच्छा। और लाइफ को वन डे एट अ टाइम जीना उन्हें पसंद है, एंड उस तरह का किरदार है। ऐसी लड़कियां फिल्मों में देखने को मिलती है, रियल में कहां मिलती है? आप किन से मिलते हो? किसी से भी नहीं। आपकी कंपनी खराब है। Maybe. अर्चना जी, आपकी कंपनी ठीक नहीं है, क्या बोल रही है? हम तो एक दूसरे को देख के बड़े हो गए, इतने साल से देख रहे हैं। रकुल, वैसे आपका नाम बड़ा यूनिक है, रकुल प्रीत। कैसे कैसे पड़ा आपका नाम? रकुल इज एक्चुअली इनिशियल्स मेरे मॉम एंड डैड के नाम का। आर ए इज फ्रॉम माय मॉम, के यू एल इज फ्रॉम माय डैड, एंड आई एम अ कॉम्बिनेशन ऑफ लव। वाओ। अरे खूबसूरत लड़कियों के साथ ना इंसिडेंट भी बड़े मजेदार होते हैं। नाम भी देखो कैसा निकला, मम्मी पापा कैसे ज्वाइन, रकुल। मेरे पापा का नाम जितेंद्र, मम्मी का नाम जनक, दोनों का इनिशियल ब्लू, तो जा। अच्छा, अजय सर ने रकुल और तब्बू मैम के साथ फिल्म की है, तो जाहिर सी बात बहुत सारी चीजें जो आप इनके बारे में जान चुके होंगे। मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो कि अगेन दर्शकों की तरफ से आए हैं। तो पहला सवाल ये है कि दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम कौन लगाती हैं? अच्छा, रकुल और तब्बू के बीच। यार मैं शूटिंग करने जाता हूँ, इनको सूंघने जाता हूँ। ये सबसे स्ट्रॉन्ग लगाते हैं। अच्छा जी, आप शूटिंग करने जाती है, इनको सूंघने जाती है? दोनों। सर बचपन से आदत पड़ गई है। सर बचपन में भी लगाते थे परफ्यूम? नहाते। ओ। आपके फैंस कह रहे हैं कि आपकी आंखें बड़ी नशीली हैं। लेकिन रकुल और तब्बू में से दोनों में से किसकी आंखें ज्यादा नशीली हैं? आई थिंक एक डेढ़ पे के, एक पौने दो पे के। दोनों में से कौन ज्यादा जोर से हंसती है? इन दोनों का पता नहीं, वो सबसे ज्यादा जोर से। सही जवाब। बट काजल आल्सो, हां काजल बहुत जोर से हंसती है ना, अगर मुझे कोई टक्कर दे सकता है, कुर्सी के लिए नहीं, हां सिर्फ हंसने के लिए, तो वो काजल है। ओके। ये दोनों में से तैयार होने में कौन ज्यादा टाइम लगाती है? मैंने तो बहुत कोशिश की, दोनों तैयार नहीं हुए, तू ट्राई कर ले। What a flirtatious answer! I like this. तो ये सवाल actually जनता के भी नहीं थे, ये काजल मैम ने भेजे थे। तो मैं देखना चाहती हूँ किन पे नजर रख रहे हो। इसलिए मैंने जवाब सोच समझ के दिए। मेरा इधर ना सपना ब्यूटी पार्लर है, तो हम लोग अलग अलग टाइप का मसाज करते हैं मैम। किस टाइप का मन? जैसे सर आपका फिल्म आया था कच्चे धागे, तो हमारे पास कच्चे धागे मसाज है। कैसे? इसमें क्या है मतलब? इसमें हम कस्टमर को पहले सा तेल लगाते हैं, फिर उसके कच्चे से जितने धागे निकल oh,
कच्चे से जितने धागे निकलते हैं उससे हम पहले उसकी थ्रेडिंग करते हैं। और फिर उसका मसाज पूरा करके उसको ऐसे लात मार के भेज देते कच्चे के बिना, क्योंकि धागे की जरूरत हमको भी पड़ेगी ना थ्रेडिंग के लिए, हमारे पास धागा रहता ही नहीं है, उसको ऐसे भेज देते। ये हम लोग का स्टाइल है। फिर मैम हमारे पास चीनी कम मसाज है, उसमें क्या करते हैं हम लोग चाइना से दो चीनी मंगाते हैं हम लोग और उनको तेल लगाते हैं और उनको ग्राउंड फ्लोर पे रोड पे खड़ा कर देते हैं। फिर मैं खिड़की पे आती है, बोलती चीनी कम ऐसा करके चीनी कम मसाज रहता है। फिर आपके लिए एक और स्पेशल है मसाज हमारे पास, अंधाधुन मसाज है। उसमें क्या करते हैं कस्टमर को पहले हम रोमांटिक धुन सुनाते हैं, अच्छा, फिर जैसे वो मेरे प्यार में अंधा हो जाता है फिर उसकी मैं मसाज कर देती हूँ। सर ये तो सुनने लायक है आप दोनों के लिए दृश्यम मसाज। इसमें क्या है? ये क्या है? इसमें क्या करते हैं हम कस्टमर को डायरेक्ट बिल थमा देते हैं। अच्छा, तो वो टेंशन में आ जाते हैं, बोलते अरे हमारी मसाज तो मेरी हुई नहीं है, तो हम उसको याद दिलाते 2 अक्टूबर पंजी। बाबा जी का संगीत, वहां पर तेरा मसाज हुआ था, ऐसा करके बार बार याद दिलाते फिर भेज देते। फिर हमारे पास एक मसाज है स्पेशल आपके लिए, इंगे एने द कविदय मसाज। इंगे एने द कविदय मसाज। इसमें क्या है? इसमें जैसे आप लोग नहीं समझे कस्टमर भी कुछ नहीं समझते। चलिए हम खेला शुरू कर रहे हैं। अब खेला शुरू करने से पहले आपको बताते हैं आपकी फिल्म का जो है टाइटल है दे दे प्यार दे, वहां पर आप अपनी फिल्म में प्यार मांग रहे हैं, तो इसलिए आज हम भी आपको धनराशि नहीं देंगे, प्यार में उपयोग होने वाली कुछ अच्छी वस्तुएं आपको दी जाएंगी इनाम में। फॉर एग्जाम्पल रेड रोज प्यार के बड़े काम आता है, तो एक रेड रोज के लिए पहला सवाल यह रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला सवाल है सिंगम फिल्म में आपका डायलॉग है सर कि मेरी जरूरत कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है, तो यहां पर हम जानना चाहते हैं कि आपके जमीर में जो दम है वो कौन सा दम है। ऑप्शन ए दम मारो दम वाला दम, ऑप्शन बी दम लगा के हिस्सा वाला दम, ऑप्शन सी दम आलू वाला दम, या ऑप्शन डी ये वाले ऑप्शन में दम नहीं है तो हम ऑप्शन दे ही नहीं रहे। मैं एक मिनट सोनी साहब से बात करना चाहता हूं। हेलो सोनी साहब, कैसा भाई याद होस्ट रखा है आपने, ऑप्शन भी पूरे नहीं है, बोलता है खेला शुरू करेंगे खेला, उस दिन धोती बांध के नहीं आया, मेला शुरू हो गया था इधर। हाँ आज की इसकी पॉकेट मनी कैंसिल करो, 10 रुपए भी नहीं देना इसको, भाई याद आदमी। क्या आप लंबी लंबी फेंकते रहते हैं यार, इतना फेंकने का शौक है बाहर जाके कूड़ा फेंकिए ना। वाह डस्टबिन खुद बोल रहा है कूड़ा फेंक गया। यूसी सर कैसा दिल जले टाइप के लोग लेके बैठे हैं हम यहाँ। एनीवे सर कौन सा ऑप्शन सही है मैम बताइए, क्या लगता है आप? दम मारो दम तो हो नहीं सकता क्योंकि सिंगम तो कभी दम मारता नहीं है। दम लगा के हाइशा, बी दम लगा के हाइशा, लेट मी चेक। अफसोस आपका ये जवाब बिल्कुल सही है। आप जीतते हैं ये लाल गुलाब, प्लीज हैव इट। ओए, बिल्कुल ऐसे फूल मत ले जाइए बदतमीज आदमी, क्या कर रहे हैं आप, ये फूल ले जा, ये इस जाड़ी से फूल कभी नहीं लेना, ये पैसे मांगता है बाद में। एक फूल और होता मैं आप इधर देखो है, एक फिल्म आई थी क्या कूल है, आपको लेके मैं फिल्म बनाऊंगा क्या कूल हो तुम। ये गमला आप ये फूल इस्तेमाल करने के बाद गमला मेरे को देना है, चल भाई शुरू कर। क्या शुरू कर क्या मतलब, यहाँ पर ए भाई यहाँ पर आप तबू जी को प्रपोज कर रहे हैं, अब रकुल जी को प्रपोज कर रहे हैं, कुछ ईमानदार है कि नहीं आपका? इन्होंने अपनी फिल्म में बोला है पुरानी गाड़ी के अपने फायदे नहीं का अपना मजा है।
अंकल हाँ अंकल आपको पता है एक बार ना मुर्गी ने ना समुंदर के बीच में अंडा दिया। अच्छा हाँ उसके अंदर से ना दो हाथी निकले। अच्छा फिर उसको देखकर धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट मारा। अच्छा और फिर वो शॉट देखकर अजय जी ने गाना गाया जीता ताजी के लिए। ये क्या बकवास बातें कर रही हैं। तो आप कौन से इधर जीएसटी का फॉर्म भरना सिखा रहे हो? आप भी तो बकवास ही कर रहे हो। ये औरत तेरे बारे में बता दूंगा मैं, जेंट्स टॉयलेट में जाती है। चलिए अनप्लान्ड मनुष्य थोड़ा सा शांति का परिचय दीजिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो हम खेला आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि देखा गया है तबू जी, अजय जी, रकुल जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब रोमांस होता है दो लोगों के बीच तो वो कैंडल लाइट डिनर पे जाते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है वो कैंडल लाइट डिनर के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सवाल है तबू जी, एक बहुत ही चर्चित गीत था आपका, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे। काफी अग्रेसिवली, काफी क्वांटिटी पे रंग मांगा है आपने इसमें। सवाल यही है कि आप रंग क्यों मांग रहे हैं? वाई? ऑप्शन ए, क्योंकि आप रंग लेकर होली खेलना चाहती हैं इसलिए रंग दे। ऑप्शन बी, ये रंग लेकर रंगारंग कार्यक्रम करना चाहती हैं आप इसलिए रंग दे। ऑप्शन सी, ये रंग लेकर आप गिरगिट की तरह रंग बदलना चाहती हैं। या फिर ऑप्शन डी, ये रंग आप इसलिए मांग रही हैं इसे लेकर आप रंगून जाना चाहती हैं। मुझे पता है। आपको क्या पता है? ये रंग इसलिए मांग रही है ताकि दे दे प्यार दे फिल्म में नई गाड़ी को रंगे हाथों पकड़ सके। अंकल जी, अंकल आप ना सांप को लस्सी पिलाया करो। सांप लस्सी पीता ही नहीं, दूध पीता है। हाँ तो जैसे आप लस्सी दिखाओगे गुस्से में आपको डंक मारेगा, आप शांत हो जाओगे। ऐसा करो मजा आएगा बहुत। नेवले के मुंह से जामुन छीन के खाने वाली औरत, ऐसी बद्दुआ दूंगा तेरे घुटने पे मुझे निकल आएगी, फिर तेरा बॉयफ्रेंड ताप दे के निकल जाएगा उसको। क्या बात किया है? इनको इग्नोर करते हैं। तो इतना रंग क्यों मांग रही हैं आप? उस जमाने में सस्ता मिलता था ना सर। सस्ता मिलता था इसलिए एकदम बल्क में मांग रहे हो। लेट मी चेक। इस बार तो सही जवाब दे दिया है आपने। बहुत खूब, आप कैंडल लाइट डिनर के लिए कैंडल जीतते हैं। लेकिन लेकिन हम आपको एक कैंडल देंगे नहीं, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आप लोग काफी एकदम फिटनेस फ्रीक टाइप के लोग हैं। आप लोग 7 बजे से पहले ही खाना खा लेते हैं। अब अंधेरा होता ही नहीं है तो कैंडल का करेंगे क्या? नो कैंडल, कैंसल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो हम पूछेंगे ये एक नारियल विद 3 स्ट्रॉ के लिए। रोमांस देख रहे हैं आप सर? 2 स्ट्रॉ नहीं, 3 स्ट्रॉ मिल बांट के खाइए। वी एडेड रोमांस मतलब। तो एक नारियल और 3 स्ट्रॉ के लिए अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सवाल है, आप लोगों की फिल्म है दे दे प्यार दे। हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि इस फिल्म में अभिनेता अभिनेत्री से कितना प्यार मांग रहे हैं, लाइक क्वांटिटी, हाउ मच। आपके ऑप्शन है ए, जितना हम फ्री में धनिया मांगते हैं नॉर्मली उतना ही प्यार मांग रहे हैं। ऑप्शन बी, जितने में कोई देख ना ले उतना प्यार सही है। ऑप्शन सी, जितनी उनकी श्रद्धा हो अभिनेत्री की उतना प्यार देते, अभिनेता को कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। या ऑप्शन डी, जीएसटी और टीडीएस काट के जितना बचता है उतना प्यार देते। कहाँ बचता है आजकल? जी वही है सर, वही है। आप लोगों को क्या लगता है? मेरे को ये लगता है प्यार कोई खिलौना नहीं है कि जो मांगो तो मिल जाए। इसके लिए बहुत सारे पापड़ बेले पड़ते हैं। तो कॉफी पिलाओ, शॉपिंग कराओ, पिक्चर दिखाओ, बाबू सोना, बेबी सोना, मेरे बेबी ने खाना खाया के लिए ले 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 ले, ये सब करो। कितनी भी बड़ी औरत ऐसे उनको बेबी बोलना पड़ता है। इतना सब करने के बाद इतना ज्यादा प्यार मिलता है, मेरे को पसंद नहीं आया ये सवाल। आपको आपको करना पड़ा ये सब? हाँ करना पड़ता है। मिला के नहीं फिर प्यार? ना फिर भी चली गई। अंकल हाँ आपको मालूम है ये जो घोड़े का जो पिछला पांव होता है हाँ
उसको छूने से क्या होता है? वो दुलत्ती देता है। कभी टाइम निकाल के खाओ ना। नहीं, मैंने सुना है कि दुलत्ती खाने के बाद आदमी 6 महीना शांत रहता है। आप दोनों के लिए हमारे दिल से एक बात निकली है। क्या? Shut up! तो लीजिए आगे बढ़ाते हैं। आपने बताया ऑप्शन सी। लेट मी चेक। पहले 2 बार तो हंसी मजाक हो गया, लेकिन इस बार भी सही जवाब दे दिया है आपने। कमाल का काम किया आपने यार, मजा आ गया। ये लीजिए, आप जीतते हैं ये ना, लेकिन ये नारियल भी हम आपको दे नहीं सकते। क्यों? ये नारियल में पानी है ही नहीं। क्या है कि हमारे घर में जो है सुबह 7 बजे ही पानी आता है, तो हम भरना भूल गए थे। तो इट डजंट हैव, तो आप लोग जो भी जाके खुद खरीद के पी लीजिएगा, और खरीद ही रहे हैं बाय चांस, तो 1, 2, 3 लीजिएगा, 1 शेयर कर लीजिएगा, 2 हमें भेज दीजिएगा। आई एम अ वेरी प्यासा आदमी है। और इसको स्ट्रॉ मत देना, ये अपनी चोटी से पी लेता है ऐसे करके। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।